हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ आज एक कद्दू के फूल का एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं कद्दू के फूल को अच्छे से धो के साफ करके रखी हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा लहसुन को छिल के रखी हूँ, एक छोटा चम्मच जीरा ली हूँ, आधा ऑनियन ली हूँ, 3 ठो मिर्च ली हूँ और 2 मुट्ठी चावल आधा घंटा पहले भिगो के रखी थी। कद्दू के फूल के अंदर से ये वाला हिस्सा निकलता है, इसको अलग कर दे, इसका और एक भाजी बनता है। अभी मैं ये बैटर रेडी करूँगी, जो चावल, मिर्च, प्याज, लहसुन, जीरा का जो बैटर है उसका एक पतला सा बैटर रेडी होगा। ज़्यादा पतला नहीं या ज़्यादा मोटा नहीं, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं उसका थिकनेस भी आपको बताऊँगी, ये इसका थिकनेस रहना चाहिए। उसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। उससे पहले आप तवा गर्म करने के लिए छोड़ दें गैस में, उसमें चारों तरफ तेल लगा के अच्छे से रख दें और एक 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 करके आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक के अंदर एक फूल डाल के इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि ये फूल बहुत पतला रहता है, ये ऐसे करके डालने से बहुत अच्छा बनता है। एक एक करके इसको डाल दें। ये बहुत ईजी है गाइज, आप जिस जब भी मन करें आप घर में इसको बना सकते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है, क्रिस्पी लगता है। इसको धीमी आँच में सिर्फ पकाना ही है और कुछ उसमें नहीं है। आप देख सकते हो मैं एक एक करके डाल दी। बचा हुआ जो बीच का हिस्सा है उसको बचा हुआ बैटर में उसको अच्छे से मिला दी हूँ। उसमें थोड़ा सा प्याज भी डाल सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पे प्याज भी डाली हूँ, आप बाद में देख सकते हो। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको सिर्फ धीमी आंच में 2 से 3 मिनट तक थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इसको कुक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर निकाल दी हूँ, ये बहुत जल्दी भी बन जाता है। इसको बाद में मैं ये वाला जो बीच का हिस्सा था इसको मैं अभी डाल दी हूँ। इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक कुक करें, ये बहुत अच्छा बनता है, ये बहुत स्वीट टेस्ट लाता है। आप ज़रूर ये सब घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।